Sir, so is there any demand from MLA leadership change? There are three things need to be clarified, sir. एक है आपके विधायक उन्हें आपके आपको आके मिले थे उनके बारे में आप लीडरशिप चेंजिंग के कुछ बात की है, और दूसरी बात यहाँ पे विश्वनाथ आए थे और अरविंद बेलद आए थे, उन्होंने बहुत कड़ी इल्ज़ाम की है, और योगेश्वर आए थे, उन्होंने बोले हैं कि लीडरशिप चेंजिंग का करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का हालत बहुत बुरा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, खुद आपके विधायक मैं बताया कि मैं किसी भी MLAs को लीडरशिप के बारे में चर्चा नहीं किया। अगर लीडरशिप के बारे में चर्चा करना होता तो सभी विधायक को बुलाता, जिन्होंने समय दिया केवल वही आए, इसे लीडरशिप के बारे में कोई हमने उनसे चर्चा नहीं की। एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि पार्टी में एक दो लोग विधायक ऐसे हैं जो लोग लगातार ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। मैं स्वयं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार जी और पार्टी के संगठन के लोग लगातार उन पर ध्यान दे रहे हैं, उनके स्टेटमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड भी हम इकट्ठा कर रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि किसी भी प्रकार से उनके वक्तव्य के माध्यम से पार्टी को नुकसान न हो यह जरूर ध्यान रखें, और हम लोग भी ध्यान दे रहे हैं, इसलिए अभी समय है, आप उसको जरूर रूप से आप ध्यान दीजिए। जहाँ तक एक किसी विधायक का विश्वनाथ का बात आया तो हमारे पार्टी के प्रवक्ताओं ने आकर के बता दिया, क्योंकि वो नए हैं, पार्टी की रीति नीति सिद्धांत जानते नहीं हैं। हमारे लाखों कार्यकर्ता अपने जीवन का त्याग और तपस्या देकर के पार्टी को इस लेवल पे ले गए हैं, उन्होंने दरी बिछाने से लेकर के माइक लगाने का काम, पानी में भीग करके उन्होंने पार्टी को यहाँ खड़ा किया है, और ऐसे नए लोग जब आते हैं एकाक जो जिन्होंने स्टेटमेंट दिया उनको यह मालूम ही नहीं है कि पार्टी के कल्चर क्या है, पार्टी का नीति रीति क्या है, इस प्रकार से स्टेटमेंट दे करके जरूर पार्टी को नुकसान करते हैं। हमारी पार्टी के महामंत्रियों ने आकर के बाकायदे स्टेटमेंट दे दिया है, मैं भी पार्टी के महामंत्री जो प्रदेश के हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है उनकी बात से अपने आप को अटैच करता हूँ।